जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी के वह टीम जो व्यक्ति का माइंड को पढ़ने का कोशिश कर रही है, माइंड को वॉश करने का कोशिश कर रही है और कुछ समय के लिए माइंड को शांति देने में सहयोग का काम कर रहे हैं। Life with authority, with responsibility, and also if you have achievement in your life, at some point, you know, people will understand that if you are sweet and humble, it's because it's a personal choice based on your inner power. झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। That like customer used to blame us and say things coming to our counter, and the whole day gets spoiled because of that. We thinking. हमारे साथ वह टीम है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल डेलीगेट भी आए हैं, वह बताएंगे कि आज आप लोग कहां पर मोटिवेशन किए। ओम शांति भाई जी ने अभी कहा एंड इट इज ट्रू दैट विदेश में भी या देश में भी सब कोई अभी जानता है कि 95% आपका बीमारी जो है वो साइकोसोमैटिक है। मीन्स इट जेनरेट्स आउट ऑफ माइंड। जैसे कोई बीमारी नहीं है, एक्सीडेंट हो गया रोड में, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर मेंटल डिस्टर्बेंस। तो ये भी तो साइकोसोमैटिक हुआ ना। एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ अगर आप अपने को जान लें, आपको मन के जो फंक्शंस है उसको जान लें, मन को कौन कंट्रोल करता है ये जान लें और उससे आप जुड़ जाएं। लाइक अगर एक आदमी बहुत सुंदर फ्लैट बनाया, बहुत सारे रूम्स है, बहुत सारे बाथरूम है, सब जगह नल है, सब जगह शावर है, एंड देन गोज एंड सीज दैट कोई पानी नहीं आ रहा है। ऊपर छत में चढ़ा तो टांग तो फुल है लेकिन पानी तो नहीं आ रहा है कहीं भी, कोई रूम में, कोई बाथरूम में। तो दौड़ते दौड़ते हमारे पास आए, हम बोला अरे कनेक्शन तो चेक करो, सब तो है, नल तो घर का खोल के रखे हो, लेकिन ऊपर टैंकी में से जो डाउन पाइप है उसका कनेक्शन चेक किया, वो खोल दिया, पूरा पानी आ गया। तो ये जो कनेक्शन है ये ऊपर वाले टैंक के साथ, यही सब कुछ है। ओम शांति। आवश्यक सूचना, सभी लोग ध्यान देंगे, जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाए बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाए का भुगतान करें। सर एक्सप्लेन द आज द कुछ मोटिवेशन ऑल व्यूअर। Yeah, the motivation is all about, you know, to make sure that in your life, you know, you remain at peace, you understand the right things to do, not to be disturbed by the event of life, which comes, you know, faster and faster with more and more uncertainty, more crisis, more trouble. And so yeah, every human being wants to have a good life. A life of you know, of love, of respect, of quality. But you know, if you react in front of the element of the event, if you have emotion, instability, if you get angry, or if you start to be in the wrong mood, you know, then obviously you are destroying your own quality of life. So what is important is to remain in your own value, your own virtue. And then we can be really the messenger of change for humanity, because humanity really needs some human being of goodness
which remain good even in the moment of really of trouble and challenge and issue and difficulties and problems, because it is there all around us. And the one which remain peace, you know, will be really the example, which be like a leader, you know, like Mahatma Gandhi was a leader because he really lived what he was preaching and telling. So it's good to know, but it's good to imbibe and practice and live the way accordingly. And that will make create a good change in the humanity, because humanity really need it. Thank you, Om Shanti. Madam, ये motivation आप लोग को employ लोग को किए कितना फायदेमंद था, और बहुत tension आप लोगों का काम में financially का एक तो जवाबदेही बहुत risk रहता है जी. और अभी का जो समय है government employee बहुत अधिक pressure में काम करे, तो ये जो आयोजन workshop हुआ आपको कितना फायदेमंद है जी. ओम शांति, मेरा नाम सुजाता है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ. तो आज जो हमारा ये जो सेशन रहा ब्रदर सिमोन के तरफ से, तो काफ़ी यूज़फुल रहा, क्योंकि आज के डेट पे बैंकर्स जो है हम काफ़ी स्ट्रेस के और प्रेशर से गुजर रहे हैं. तो ये डे टू डे लाइफ के में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन्हें कैसे फेस करना है, कैसे हमारे लाइफ को एज इट इज़ टू टेकिंग लाइफ लाइक वॉट लाइफ इट इज़, ना कि ओवर एक्सपेक्टेशन रख के, इन सब बारे में भी बताया ब्रदर ने. तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए सेशन. और हम होप करते हैं कि हम लोग इसके जो उन्होंने मंत्रास बताए हैं उनको यूज़ करके हम हमारे लाइफ में और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ बेहतर कर पाएंगे. थैंक यू. कितने कहाँ पर हुआ प्रोग्राम और कहाँ से आप लोग आए हैं? मैं बिष्टुपुर सेंटर से आई हूँ. ये बिष्टुपुर सेंटर से आई हूँ और यहाँ पे बैंक SBI बैंक में प्रोग्राम चल रहा है. मेन ब्रांच में आरबीओ चारवा सर. यह मोटिवेशन सिर्फ बैंक के एम्प्लॉय को जरूरत नहीं है, आज छोटे से बच्चे और 60 साल 70 साल के बुजुर्ग को भी ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ इतना चेंज हो चुका है कि बच्चे स्कूल का बैग नहीं उतारते और मोबाइल फ़ोन पकड़ लेते हैं. पेरेंट्स परेशान हैं बच्चे को, और बच्चे मोबाइल से, और ऐसा वीडियो देखने मिलता है कि बच्चे भी पागल हो चुके हैं मोबाइल गेम के कारण. और यह हकीकत है कि ब्रेन को संभालना बहुत मुश्किल है, और ब्रेन को आप संभालिएगा तो मन को भी संभालना उससे कठिन मुश्किल है. ब्रेन और मन दोनों को बैलेंस करके मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सकता है, और वह कामयाबी कर सकता है, और समाज, देश और विश्व को सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है. एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद.